गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है इस समय, और अभी हम लोग यहाँ से निकले नहीं, अभी फ़िलहाल हम अपने कॉटेज में ही हैं। बस आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे दर्शन के लिए। रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे अराउंड कुछ 2:30 या 2:45 के आसपास, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त। बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी कि हम आगे बढ़ पाएँ, बट अभी यहाँ पर रिलैक्स करने के बाद कॉटेज में हमें काफ़ी बेटर फील हो रहा है, तो अब हम अपनी फर्दर आगे का जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से घोड़ों के बल पे ये लोग मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, और मैंने ऐसे ऐसे यंग लोगों को देखा घोड़ों के ऊपर बैठकर दर्शन करने जाते हुए देखकर ना, सच में बड़ा बहुत बुरा लग रहा था। अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है। उसके बाद में जितने भी श्रद्धालु नीचे आ रहे थे, हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वहाँ जाने के बाद भी आपको 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये हमारा कॉटेज है जहाँ हमने स्टे किया था। बीच बीच में आप लोग को टेंट नज़र आ रहा होगा, बहुत लोग ऐसे टेंट में रखते हैं। वो घोड़ा लेट गया, वो देखिए घोड़े की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको मार मार के उठाया अभी इन लोगों ने। फाइनली इतना बड़ा स्नोई माउंटेन देखने को मिला। काफ़ी आगे तक हम लोग आ चुके हैं, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस, फाइनली हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया है, जिस रास्ते पे कम से कम सुकून है कि हम मेंटल लेवल हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज वो वाला जो रास्ता है ना, वहाँ पे घोड़ों का इतना ह्यूज रश है और बदबू एंड ऑल, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। शॉर्टकट रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट तो है, आप लोग देख सकते हैं एकदम पतला सा उबड़ खाबड़ रास्ता है, बट यहाँ पर एटलीस्ट चलने में सुकून है, थोड़ा हमारा मेंटल लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा घोड़ों के कारण। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें वहाँ तक जाना है, आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा रास्ता है, पूरा रास्ता यही इतना पतला सा ही रास्ता है। इसी रास्ते से आने वाले लोग भी हैं और जाने वाले लोग भी हैं। सो गाइस, फाइनली 8 बजे की वॉक से आ गया थोड़ा सा, फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। बस 100 मीटर्स और हमें जाना होगा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये थोड़ा ये खंबा है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी हम भी केदारनाथ दर्शन करके आ रहे हैं। जैसे ही हमें खंबा दिखा, हमारी जान में जान आई है, बिकॉज शॉर्टकट वाले रास्ते पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, बहुत मुश्किल से हम लोग आए इस पर। फाइनली हम यहाँ लाइन में लग चुके हैं, और हमारे साथ में जो थे वो तो ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं, बिकॉज हम थोड़ा लेट हो गए थे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाने के कारण, बट अब मैं लाइन में लग चुकी हूँ। अभी भी काफ़ी कुछ लाइन है, आप लोग देख सकते हैं, और इस समय मंदिर का दरवाज़ा बंद है क्योंकि ये स्टार्ट होगा अब 3:30 बंद हो जाता है, स्टार्ट होगा अराउंड कुछ 5 और 5:30, उसके बाद में ये दर्शन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आके लाइन में खड़ी हो गई हूँ, टोकन वगैरह इन्होंने हमारा पहले ही कलेक्ट कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा रश है, दो लाइन लगी हुई है। सो गाइस, फाइनली मंदिर ओपन हो गया है और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मेरी लाइन वहाँ पे थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, और उसके बाद में हम करेंगे दर्शन। बस थोड़ा सा इंतज़ार और। हाँ, भगवान के सामने ही सबको खुश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो नहीं पाता हूँ।